दोहरी नागरिकता के मसले पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी नागरिकता के आरोप वाली अर्जी को खारिज किया। नागरिकता के मसले पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी कंपनी के फॉर्म में लिखने से नागरिकता तय नहीं होती। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने का आरोप लगाया था। याचिका में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी के फॉर्म में राहुल को ब्रिटिश नागरिक लिखने से वो ब्रिटिश नागरिक नहीं माने जाएंगे। याचिका में राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई थी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राहुल को नोटिस जारी करके नागरिकता पर जवाब मांगा था। तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यह कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि इस आधार पर उनके खिलाफ जो भी प्रेयर किया गया है वो प्रेयर हमें मंजूर नहीं है, और उस याचिका को खारिज कर दिया।